इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। ये लॉकडाउन आने वाले शुक्रवार से शुरू होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, तो वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और सुपरमार्केट जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर 10 लोगों से ज्यादा खड़े होने पर रोक है। आपको बता दें, इसराइल ने मार्च महीने में सख्ती से लॉकडाउन लगाकर कोविड-19 बीमारी के प्रसार पर अंकुश लगाने में सफलता पाई थी। इसराइल की इस सफलता को लेकर दुनिया भर में खूब तारीफ भी की गई थी। हालांकि अब इसराइल में प्रति व्यक्ति संक्रमण दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जिसके बाद अब एक बार फिर इसराइल में 3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।